The ED raid at Congress leader Harak Singh Rawat's residence continues. These are breaking developments coming in. Harak Singh Rawat, Congress senior leader, being raided by the ED. Enforcement Directorate conducting raids at Harak Singh Rawat's residence. Praveen Kumar is joining us for more details on this story. Praveen, what is transpiring in Dehradun? डिफेंस कॉलोनी आवास पे उनकी छापेमारी चल रही है. इसके अलावा 10 और ठिकानों पे राज्य में छापेमारी चल रही है. उनके कॉलेज में छापेमारी चल रही है. जमीन से पूरा जुड़ा हुआ विवाद है. 16 ठिकाने पूरे देश में जो है, तीन राज्यों में, खास करके चंडीगढ़, दिल्ली और देहरादून में 16 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है. ये खबर मिल रही है. जो हरक सिंह रावत है, पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, और जब से कांग्रेस में आए हैं उन पर मुश्किलें बढ़ती जा रही है. चाहे श्रमिक कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला हो, या फिर कॉलेज मामला हो, या फिर फॉरेस्ट लैंड का मामला हो, या फिर फॉरेस्ट में पेड़ काटने का मामला हो, ये तीन तमाम मामलों पर उनके जांच चल रही थी. पहले भी विजिलेंस जांच कर चुकी है कई मामलों की. अब ईडी की एंट्री भी है. मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया है. डिफेंस कॉलोनी आवास में अभी भी उनके जो मुख्य आवास है वहां पर ईडी की टीम बैठी हुई है, जांच कर रही है. हालांकि हरक सिंह रावत आवास पे नहीं है, रात में ही कहीं निकले हैं वो. उनके लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा, लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड में 10 ठिकाने और पूरे देश में 16 ठिकानों पे कार्रवाई चल रही है ईडी की. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.